गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बढ़िया सा होममेड फेस पैक, जिसे आप कभी भी किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल होम रेमेडी है। और हाँ फ्रेंड्स, आपका ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे इजीली लगा सकते हैं अपने फेस पर, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। और हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस फेस पैक को रेगुलर यूज़ करने पर आपको अपने स्किन पर बहुत ही जल्दी फर्क दिखाई देगा और आपका स्किन बहुत ही ग्लोइंग करेगा, आपको एक बहुत ही नेचुरल सा फेस मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जान लेते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे और अपने फेस पर अप्लाई कैसे करना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे आधा कटा हुआ टमाटर और उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और उसका रस निकाल लेंगे एक बाउल में। फिर हमें उसमें ऐड करना है 2 चुटकी हल्दी, बिल्कुल ज़रा सा हल्दी लेना है वरना आपका फेस ज़्यादा पीला हो जाएगा। फिर हमें उसमें ऐड करना है 1 चम्मच ऑरेंज पिल पाउडर। फिर हमें उसमें ऐड करना है 2 चम्मच जितना गुलाब जल। और फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। अब ये पेस्ट हमारा तैयार है, तो अब इसे हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस पेस्ट को हल्के हाथों से अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, मसाज करते हुए इसे अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पेस्ट को पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लिया है। तो अब इसे हम 20 मिनट तक सूखने देंगे और सूखने के बाद फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स, ऑरेंज पिल पाउडर जो होता है ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है और ये हमारे फेस को ड्राई होने से भी बचाता है और ये हमारे फेस को ब्राइट और ग्लोइंग होने में भी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अब हमें वेट करना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ये फेस पैक अच्छी तरीके से सूख जाएगा। तो अब मेरा ये फेस पैक 20 मिनट के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो यहाँ पर अब हमें लेना है 1 टमाटर। जिस टमाटर से हमने रस निकाला था उस टमाटर को फेंकना नहीं है और फिर उसी टमाटर से हमें अच्छी तरीके से रब करते हुए इस फेस पैक को रिमूव करना है अपने फेस पर से। फ्रेंड्स, टमाटर में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को ब्राइट और हेल्दी रखने में हेल्प करती है और हमारे फेस का जो भी डर्ट होता है उसे रिमूव करने में भी हेल्प करती है। टमाटर हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, इससे हमारा जो सन टैन होता है वो भी दूर हटती है और हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है। और इस फेस पैक में मिक्स हुआ है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमारे फेस को क्लीन करने में हेल्प करती है। और इसमें है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से हमारे इचिंग प्रॉब्लम दूर होती है और हमारे रंग को साफ करने में मदद करती है। 10 मिनट के मसाज के बाद फेस को अच्छी तरीके से पोंछ लें या फिर नॉर्मल पानी से जाके अपने फेस को वॉश कर लें। तो मैं यहाँ पर हैंकी के अपने फेस को पोंछ रही हूँ। फेस को पोंछने के बाद मैंने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लिया है। अब हल्के हाथों से तौलिए से पोंछ लेना है अपने फेस को। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे अपना फेवरेट सा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को अच्छी तरीके से अपने फेस पर लगा लें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे फेस पर इंस्टेंट ग्लो आ चुका है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को मैंने बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल रहेंगे, इसलिए आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। इसे आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं और इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक बार यूज़ करके देखें, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक साबित होगा। फ्रेंड्स, ये 4 डे चैलेंज है, आपको 4 दिन एटलीस्ट वीक में लगाना है, तभी आपको पता चलेगा आपका स्किन ग्लोइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ रेगुलर यूज़ करने पर समझ आता है, तो आप इसे वीक में एटलीस्ट 4 बार जरूर ही यूज़ करें, तभी आपको पता चलेगा। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप आराम से लगा सकते हैं। और ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कोई सा भी स्किन हो, आप इजीली लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और इसे अपने फेस पर एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।